बात अगर इश्क की हो तो इतिहास कई ऐसे रूमानी इश्क की दास्तां संजोए हुए है, जो इश्क मुकम्मल होने के साथ साथ पूरी दुनिया को मोहब्बत का मायना समझाता रहा है। आप तो समझ ही गए होंगे हम इतिहास की किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज की उस बेइंतहा मोहब्बत की, जिस प्रेम का साक्षी बना आगरा में जीता जागता यह मोहब्बत की इमारत, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। हम बात कर रहे हैं उसी ऐतिहासिक इमारत ताजमहल की, जिसके दीदार को दुनिया भर से लोग आते हैं और इसकी दुधिया संगमरमरी खूबसूरती में दर्शक ऐसे खो जाते हैं मानो वहाँ की फिजाओं में बस मोहब्बत की खुशबू घुली हुई हो। शाहजहां ने मोहब्बत के इस बेमिसाल नजराने को ऐसे पेश किया है कि आज तक ताज की वही खूबसूरती बरकरार है। मोहब्बत का यह फूल इतिहास में ऐसे घुल गया है कि इसकी इबादत हर प्रेमी करना चाहता है। इसी इतिहास के कुछ अनछुए पहलू से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। बहुत लोग इस बात से बेखबर हैं कि शाहजहां की बेगम मुमताज कहाँ की थी। बता दें कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल ईरान की रहने वाली थी और दिल्ली से शाहजहां के साथ बुरहानपुर में आकर बसी थी। मुमताज महल का असली नाम अर्जुनमंद बानो था। उनके ससुर मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें मुमताज महल का उपनाम दिया था। 7 जून 1631 को चौदहवीं संतान को जन्म देने वक्त मुमताज महल की मौत बुरहानपुर के शाही महल में हुई। उसके बाद उनका शव आहू खाना में ले जाया गया। आहू खाना के समीप ही पाइन बाग में मुमताज के शव को एक विशेष ताबूत कब्र में रखा गया। ताबूत को उस समय के विशेष लेप व दबावों से संरक्षित किया गया था। यहाँ 6 माह तक कब्र में शव रहा। इसके बाद जब आगरा में ताजमहल का काम पूरा हो गया, तब कब्र से शव निकालकर आगरा ले जाया गया और ताजमहल में रखा गया। आज भी इस शाही महल में मुमताज का शाही हमाम, दीवाने खास, दीवाने आम आदि मौजूद है। इतिहासकार कमरुद्दीन फलक के मुताबिक मुगल काल में बुरहानपुर मध्य भारत की दूसरी राजधानी थी। मुगल शासकों ने बुरहानपुर को फौजी छावनी बनाया था, इसलिए बादशाह यहां पर आते थे। यहीं से दक्षिण की ओर जाने का मुख्य द्वार है, इसलिए बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्थिक नजर से यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी।